नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं मिथुन राशि के कर्क राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाएगा आपका 2024 का ये साल। वैसे मैं आपको बता दूं, इस साल आपको थोड़ा सा टेंशन रहने वाला है हर मामले में, क्योंकि आप भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। जीवन में आप देखो, लोग इतने भावुक नहीं होते जितने कर्क राशि वाले भावुक होते हैं, और आपको अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अपनी माता से भी आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो इस साल भावुकता के मामले में आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा सा दृढ़ता रखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा आपका जो मन है दुर्बल रहेगा, थोड़ा सा संघर्ष होगा, कहीं आपके लड़ाई झगड़े के भी योग बन रहे हैं इस साल। आपको थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां रखनी ही पड़ेंगी। आपके जो राशि स्वामी है वो चंद्रमा है, आपके जो आराध्य है वो शिव जी। मैं अपनी तमाम वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपके स्वामी चंद्र है तो नेचुरली आपको शिव जी की ही पूजा करनी होगी, और आपके जो भाग्यशाली कलर्स हैं वो सफ़ेद और पीला कलर है। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, ये तीन वार आपके लिए बहुत शुभ है। दोस्तों, करियर के मामले में इस साल आप देखेंगे तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो दशम भाव में अपना गोचरीय प्रभाव देंगे, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे, आपको लाभ अच्छा होगा। अनुभवी साझेदारी के मिलने से आप व्यवसाय को एक नया मोड़ मिलेगा, और व्यापार में आप अधिक आपको लाभ मिलेगा, और एकादश स्थान में गुरु आपके व्यापार में आपकी आय की वृद्धि भी करवा देंगे। अष्टम स्थान में शनि आपके कार्य व्यवसाय में अवरोध भी उत्पन्न करेंगे, परंतु अपने विवेक से आप उन्हें अनुकूल बना लेंगे। परिवार का जो मामला है इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, वैसे सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आप सुलझा पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक ठाक है। जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है वो बहुत ही अच्छे, प्यारे प्यारे से होंगे, मधुर मधुर से होंगे। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के शुभ योग है। यदि संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। इस साल आपके घर में मतलब मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। ये साल आपका ऑल ओवर ठीक ठाक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपको मानसिक रूप से शनिदेव थोड़ा सा कष्ट देते रहेंगे, जैसे वायरल बीमारियां, जो वायरल होता है वो आपको होगा, थोड़ी बहुत तकलीफें तो होंगी, लेकिन फिर भी टोटल आपका समय ठीक ठाक रहेगा, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना पड़ेगा। और जो आपकी आर्थिक स्थिति है इसमें आपको, अगर भूमि भवन के मामले में आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वो आप 1 जनवरी के बाद में ही प्रयत्न करें, आपको धन का आगमन होगा। और जहाँ पर भी आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सोच समझ करके आप निवेश करें, पैसों को लेकर के थोड़ा सा आप इस साल सावधान रहें। कहीं पर भी भूमि भवन प्लॉट वगैरह लेना है, थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ें। और परीक्षाओं के मामले में देखें तो जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। छठे स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं और कर्क राशि के हैं, उनके लिए साल बेहद अच्छा रहने वाला है। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, थोड़े बहुत जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हें आपको टालना पड़ेगा। थोड़ी बहुत सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस साल। जितना ज़्यादा हो सके आप हनुमान जी की पूजा करें, घर में सुंदर कांड का पाठ करवाएं, और जो शनि की ढैया है इससे अभी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। प्रॉब्लम भी आने वाली है नो डाउट, लेकिन फिर भी काफ़ी मामलों में आप थोड़ा राहत आपको मिलती रहेगी। शनिवार के दिन आप काले कुत्ते रोटी जरूर दें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तमाम प्रकार के जो संकट है उससे बचाने में ये चीज़ आपकी गजब की मदद करेगी। सुंदरकांड भले महीने में आप एक बार करवाएं, लेकिन घर में सुंदरकांड करवा अच्छा रहेगा। शिव पूजा जरूर करें। जय श्री कृष्ण।